कूड़े के सही से निष्पादन करने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में शुक्रवार सुबह एमसीडी के द्वारा आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग की गई। इस मीटिंग में कूड़े के सही से निष्पादन के लिए चर्चा की गई। इस मीटिंग में 35 आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि, एमसीडी के अधिकारी व स्थानीय निगम पार्षद मौजूद रहे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की है, जहाँ पर एमसीडी के द्वारा स्थानीय आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग की गई। इस मीटिंग में एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा कूड़े के सही निष्पादन के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वह गीले कूड़े को अलग और सूखे कूड़े को अलग रखें। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ इस्तेमाल से बचने की भी अपील की गई। साथ ही लोगों को कूड़े से खाद कैसे बनाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी इस मीटिंग के दौरान दी गई। इस मीटिंग में 35 आरडब्ल्यू प्रतिनिधि शामिल हुए और साथ ही साथ लोगों को वहाँ पर शपथ भी दिलाई गई। और ये शपथ थी कि आसपास लोग कूड़ा नहीं करेंगे और जल्द से जल्द वसंत कुंज और पूरी दिल्ली को कोशिश करेंगे कि कचरा और कूड़ा मुक्त बनाया जा सके। करूंगा करूंगी तत्कर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने में अपना सहयोग करूंगा करूंगी। मैं यह भी संकल्प कि मैं अपने रिश्तेदारों, मित्रों, व्यक्तियों को प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं उनका उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा करूंगी। धन्यवाद। प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो वो और बढ़ चढ़ कर इस सभी, चाहे वेस्ट एग्रीगेशन हो, चाहे प्लास्टिक फ्री हो, चाहे होम कंपोस्टिंग हो, सभी में अपना पूर्ण 100% योगदान देते हैं और देते रहेंगे आगे भी। बस हमें और आपको मिलकर उनका सहयोग करना, छोटी छोटी चीज़ों के। लेकिन दे आर लीस्ट बॉदर, दे आर नॉट सेग्रीगेटिंग द वेस्ट, दे आर जस्ट डंपिंग एवरीथिंग इन वन। द प्रॉब्लम अराइजेस एट द इंप्लीमेंटेशन। इन इंडिया वी हैव ब्यूटीफुल गुड लॉज, देन वी इनकम किया गया है पॉलिथीन को लेकर जागरूकता, किस तरीके से आज आगे इसको आप लोग लेके चलेंगे? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम मेरे वार्ड में लगातार होते रहते हैं। हमारे सभी सम्मानित अधिकारी, सम्मानित आरडब्ल्यू, जागरूक आरडब्ल्यू में कहूँगा कि जो भी जनहित के, समाज हित के काम है, उनकी इस तरह की मीटिंग होती रहती है। आज उसी कड़ी में हमारी डीसी मैम का आना हुआ हमारे वार्ड में और सभी आरडब्ल्यू से उनको रूबरू हुए और उनको वेस्ट सेग्रीगेशन हो या प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की जानकारी देना हो, इस तरह की अनेक बातों पर चर्चा हुई और अच्छी एक मीटिंग हुई। काफ़ी हमारी आरडब्ल्यू ने उसमें पार्टिसिपेट किया और एक हेल्दी मीटिंग हम इसको कह सकते हैं। आगे किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? अब जाकर आरडब्ल्यू के साथ तो मीटिंग होगी, जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम होगा? देखिए, बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम होगा। वसंत कुंज वार्ड एक ऐसा जागरूक वार्ड है कि कोई भी नई स्कीम जब लागू होती है देश में या दिल्ली में, तो वसंत कुंज को सबसे पहले चुना जाता है। तो सौभाग्यशाली हम अपने ऐसे एक वसंत कुंज वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं कि यहाँ पर सारी स्कीम यहाँ शुरू होती है और यहाँ पर इतना पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ पर हमारे वसंत कुंज में है कि जो भी देश हित के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हो, उस तरह के अभियानों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो अब हम, चाहे प्लास्टिक मुक्त भारत की अभियान हो या कोई वेस्ट सेग्रीगेशन का हो, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और हमने वादा किया है अपने सभी सम्मानित आरडब्ल्यू को कि हम प्रशासन के साथ मिलकर और हम स्वयं भी मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे कि प्लास्टिक मुक्त वसंत कुंज हो और आगामी वर्षा के मौसम को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं उसमें। वसंत कुंज की आरडब्ल्यूएज आज यहाँ करीब करीब 35 से 36 आरडब्ल्यूए सम्मिलित हुई है। एसडीएमसी के हमारे विभागीय अध्यक्ष, डैम्स डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, हमारे एनजीओ आईटीसी वाव, हमारे माननीय पार्षद की प्रेजेंस में ये एक जागरूकता के लिए संगठित हुए थे। जागरूकता कि अपने अपने घरों में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करें, हर घर, हर आरडब्ल्यूए ये सुनिश्चित करे कि कूड़ा अलग अलग आ रहा है। एमसीडी की गाड़ियों में कूड़ा अलग अलग करके ही डाले। जहाँ तक हो सके कम्युनिटी कंपोस्टिंग जहाँ पर है वहाँ पर सबका सहयोग रहे। अगर कम्युनिटी कंपोस्टिंग नहीं है तो अपने घरों में अपने गीले कूड़े से खाद बनाएं होम कंपोस्टिंग के ज़रिए। और आखिर में प्लास्टिक जो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, उसके लिए सबसे ये अपील करी गई है कि आप प्लास्टिक को मना करिए, रिफ्यूज़ करिए। जब उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी तो अपने आप प्लास्टिक कम हो जाएगा।
तो हर तरीके से जितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम प्रयोग में लाया जाए उतना ही अच्छा है। लोग अपने अपने थैले ले जाएं बाज़ार से शॉपिंग करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने साउथ जोन में फेच योर बैग, अपना थैला खुद लाओ का कैंपेन शुरू किया। हम आज भी कुछ थैले यहाँ लेकर आए हैं जो हम RWS को दे सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं। तो ये बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक मीटिंग करी गई है। सेग्रीगेशन, कूड़ा अलग अलग करें, घरों में कूड़े का कंपोस्ट बना सकते हैं और प्लास्टिक को जितना हो सके उस पर रोकथाम लगाएं। मैम, कूड़े को अधिकतर लोग डंप पोलोथीन में करते हैं और पोलोथीन अधिकतर कहीं मानसून में नालियों में फंसी मिलती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। किस तरीके से लोगों को, क्योंकि जागरूकता तो आप यहाँ RWS के साथ करी, जमीन ये एक आदत बन चुकी है एक्चुअली कि हम लोग अपने घर की बकेट में एक पॉलीथीन की पन्नी लगाएंगे और उसके अंदर कूड़ा लगाएंगे। अगर हम अपने गीले और सूखे कूड़े को अलग करें तो सिर्फ हमें दो बकेट रखनी पड़ेगी, पन्नी तो रोज़ चेंज करनी पड़ती है। बट अगर हम एक बकेट में अपना गीला कूड़ा डाल दें, एक सूखा, और वही जो गाड़ी आ रही है उसमें उल्टा दें, क्या करना है, थोड़ा सा उसको पानी से भिगोना और धूप में सुखा देना, तो ये प्लास्टिक एक हद तक वहीं ख़त्म हो सकता है। दूसरा हुआ जो गीला कूड़ा, उसकी मैं अपने घर में खाद बना दूँ, तो ये पन्नी की जो दिक्कत है जो नालियाँ ब्लॉक करती है, सड़कों में दिखती है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों से ही आ रही है प्लास्टिक। तो हम लोगों को अपना एक सिविक सेंस, अपनी मॉरल ड्यूटी के साथ इसको बंद करना चाहिए, अपनी आदतों को बदलकर, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर। कार्यक्रम जो है आप लोगों ने यहाँ पर रखा, क्या वजह कहते हैं? ये हमने कार्यक्रम पूरे वसंत कुंज की साउथ जोन की RWA के लिए रखा था। ये हमने सिर्फ B5 & 6 में इसको वसंत कुंज में होस्ट किया है। मैं अमीना तलवार हूँ, प्रेसिडेंट B5 & 6 की। तो एक सेक्टर से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अगर हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो वो ज़रूरी था। और वो हमारी जो DC मैम है और उनकी पूरी टीम है, जो ITC वाव है, SSL, हमको सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमारे काउंसलर जी हैं और हमारी पूरी RWA की टीम्स हैं। तो हमने आज सिर्फ RWA के एक या दो मेंबर्स पर RWA बुलाए थे, तो 35 RWAs यहाँ पर आई हुई थी। मैडम, लगातार आप 5 साल से ये प्लास्टिक को लेकर मुहिम चला रहे हैं, मगर 5 साल में अभी तक 0 है, लोग जो है मान ले रहे हैं। शहनवाज जी, 5 साल से तो नहीं, आई वुड से 2 साल से, पर बीच में वही है कि हम भी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि अभी जैसे कोविड का आया है तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब आई गेस ये स्ट्रेन वेव हटी है और इसको एक 2019 में यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम MCD ने किया था हमारी सेक्टर में, पूरे RWS के लिए ही, और लोगों ने एंथुजियास्टिकली शुरू भी कर दिया था। पर वही है कि एक हमारे पास कोविड एक एक्सक्यूज़ बन गई है, एक्सक्यूज़ भी क्या प्रॉब्लम बन गई है। तो ये हमने वेस्ट एग्रीगेशन एक तरफ से कर रहे हैं, होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, अब हम एक प्लास्टिक को जोड़ डालेंगे कि लोग अपने थैले वगैरह लेकर जाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें।